सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है और अब दीप प्रज्वलन हो चुका है तो कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मैं माननीय अतिथियों के अभिनंदन के लिए आग्रह के मुख्य वक्ता हितेश शंकर जी का अभिनंदन करें, उन्हें एक सकारात्मक भूमिका अपनी पत्रकारिता में निभा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के दौर में जब आपूर्ति किसी भी चीज की बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसमें मिलावट होना, उनका संवाद केंद्र की ओर से जो मापी पत्रिका चलती है उनका संपर्क के जून माह का ये अंक है। आज का ये जो कार्यक्रम है नारद जयंती के उपलक्ष्य में, मुझे लगता है मीडिया के प्रतीक पुरुष के तौर पर नारद जी का चयन इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, संवाद से जुड़ा हुआ है, संवाद की सार्थकता से जुड़ा हुआ है। और मीडिया जो चपल भी दिखता है, चंचल भी दिखता है, मगर कई बार मर्यादा का अतिक्रमण और उल्लंघन करता हुआ भी दिखता है। उसमें स्वतंत्रता है मगर स्वच्छंदता नहीं है, सीमा नहीं लांघना है, शब्दों का हल्कापन नहीं है, गति है मगर सबका हित भी है। ये सारी चीज़ों को साधने का प्रतीक उसका नाम है नारद। तो मुझे लगता है कि नारद जी को भी देवर्षि की का स्थान दिया गया, तो मीडिया को भी जैसे चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, एक ऊंचा बड़ा स्थान मिला है, उसकी गरिमा को साधने के लिए, बनाए रखने के लिए ऐसे प्रतीक आवश्यक हैं, ऐसे संवाद आवश्यक हैं और ऐसे आयोजन भी बहुत आवश्यक हैं।